मार्केट में अपने लिए बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनका गाय का दूध भी आ रहा है, घी भी आ रहा है, तो ये पराग का जो ये दूध है ये कैसे डिफरेंट है, इसको हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं उसको गाय का, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे इसको यूज कर रहे हैं? जी हाँ, मैं तो इसे पहले से इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं मुंबई की हूँ और मुंबई पुणे सूरत में प्राइड ऑफ काउस काफ़ी टाइम से सप्लाई किया जा रहा है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी फैमिली दिल्ली से भी है और हम इधर आते हैं तो यहाँ पे भी दिल्ली वाले लोगों को भी मिलेगा प्राइड ऑफ काउस। इसमें खास बात यह है कि सबसे पहले काउस जो है बहुत ही खुश रखते हैं, उनका बहुत ध्यान रखा जाता है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो रखते हैं, फॉलो करते हैं, और जैसे शुरू से लेके एंड तक फार्म से लेके घर तक बिल्कुल कोई सब कुछ ऑटोमेटेड है, तो बिल्कुल ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, जहाँ आपको वो मौके मिलते हैं एंड बैक्टीरिया ऐड होने के वो नहीं है। तो इसीलिए एक प्योरिटी, एक इंटेग्रिटी है प्राइड ऑफ काउस में जो शायद बाकी ब्रांड्स में नहीं हो, इसीलिए मैं इसको रेकमेंड करती हूँ। तो जैसे कि इसका जो प्राइस रखा गया 120 रुपये लीटर, तो बाकी और जो है वो तो सस्ते में मिल रहे हैं, तो फिर इसका क्या ये कारण है? इसीलिए क्योंकि ये सब करने के लिए एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर के लिए, एक डिलीवरी सिस्टम के लिए भी, जहाँ से मतलब फार्म से लेके घर तक 4 डिग्री सेल्सियस पे ये दूध का वो टेम्परेचर रखा जाता है ताकि द प्योरिटी ऑफ द मिल्क इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, ये सब चीज़ों के लिए ऑब्वियसली इट्स अ लिटिल कॉस्टली, सो द प्राइस ऑफ द मिल्क इज ऑल्सो 120 रुपीज पर लीटर। लेकिन जैसे पराग मिल्क फूड्स के ब्रांड की अंदर ही कम पैसे में आपको फ्रेश काउ मिल्क भी मिलेगा अंडर गोवर्धन फॉर एग्जांपल।